हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल वीजीएफएक्स पर। दोस्तों इससे पहले वाले एपिसोड लेसन वन में मैंने आपको बताया कि कैसे हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उस प्रोजेक्ट के अंदर सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। अगर आपको फोटो एडिट करनी है, कुछ एडिट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये हमारा EDS है, मैं आपको ऑलरेडी EDS ओपन करना बता चुका हूँ, न्यू प्रोजेक्ट बनाना बता चुका हूँ आपको। अब सपोज कीजिए आपको इसको इसके अंदर एक और सीक्वेंस बनाना है, यानी कि जैसे आप एक और सीक्वेंस बना चाहते हैं, ये आपके पास में सीक्वेंस होता है कंट्रोल शिफ्ट एन, यहाँ से सीक्वेंस हम बना लेते हैं। ये देखिए, एक फर्स्ट सीक्वेंस आपका ये है, सेकंड आपका ये सीक्वेंस हो गया। यानी कि अगर आप सॉन्ग का काम करते हैं, वेडिंग के लिए सॉन्ग वगैरह का काम करना चाहते हैं, तो वो इस पर आप ऑलरेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कपल बॉयज़ वगैरह के हम सीन लेते हैं तो उस हिसाब से आप इस पर कट करके इस पर रख सकते हैं। यानी कि जैसे गर्ल का सीन है, हमने उठाया यहाँ पे रख दिया है ना। आप चाहें तो इस सीक्वेंस का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सीक्वेंस सेटिंग है, आप यहाँ पे जाके आप लिख दीजिए सॉन्ग फुटेज। जब आप इस पे सॉन्ग फुटेज लिख देंगे तो आपको ये अंदाजा रहेगा इसमें कि सॉन्ग फुटेज क्या होती है, और यहाँ से आप वीडियो को म्यूट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं, और कंट्रोल माइनस और प्लस के थ्रू आप किसी भी चीज़ को जूम कर सकते हैं, यानी कि अपनी टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं। और ये आपके पास में जो ऑडियो वीडियो होती है, मैं आपको बता दिया, ऑडियो वीडियो इनसे आप म्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था न्यू सीक्वेंस। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।